हेलो गाइस, मैं शेखर राजा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। जैसा कि ये मेरे पास एक सप्लाई है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई जो है, आजकल जो छोटे सेट होते हैं उनमें इलक्के आ रही है। ये जो है 17 इंची, 19 इंची और 20 इंची मॉनिटर में इलक्के आती है, एलसीडी टीवी में आ रही है, एचडी एलईडी टीवी में आ रही है। तो इसके बारे में, ये सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, तो आज मैं इसके बारे में पूर्णतः आपको जानकारी दूंगा, इसका सर्किट बना के बताऊंगा कैसे काम करता है, क्या कैसा है, कौन सा पार्ट्स कहाँ लगाऊंगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये साकेट दिया हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट 50 साइकल्स, है ना। तो ये देखिए, ये वो वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है ये है वो, ये जो अपना एसी, ये यहाँ पर एसी देंगे। यहाँ पर ये देखिए कि फिल्टर लगा हुआ है, लाइन फिल्टर ये है। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, और ब्रिज रेक्टिफायर से ये होता हुआ, देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है जो कि ये है, वाइस MFD लिखा हुआ है, 400 वोल्ट या 450 वोल्ट में लगा सकते हैं। 450 वोल्ट में जो लगाएंगे वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता रहता है वोल्टेज का, ये ख़राब ना हो, उसके लिए यहाँ पर ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएं। उसके बाद ये यहाँ से ये वोल्टेज होते हुए आते हैं ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है SMT है, SMT ट्रांसफार्मर है, ये SMT ट्रांसफार्मर है। और यहाँ से ये होता हुआ है कि ये IC लगी हुई है, ये जो है वो भी 2263, ये IC का नंबर है, ये 8 पिन की IC है, देखिए ये लगी हुई है, ये IC ये है। इसकी एक नंबर पिन से देखिए, ये यहाँ से एक गेट के लिए ये अपना MOSFET लगा हुआ है, MOSFET पर ये सिग्नल से जाते हैं, यहाँ से ये ऑसिलेट करती है वोल्टेज को, और ये ऑसिलेट करके ये MOSFET पर देते हैं, और MOSFET काम करता है तब ये SMPS सप्लाई काम करती है, ठीक है। इसको काम करने के लिए देखिए, यहाँ से ये यहाँ पर इस पर वोल्टेज आते हैं, 2 नंबर पिन इसकी वोल्टेज पिन है, 3 नंबर पिन जो है NC फिर में, और 4 पिन जो है, 4 नंबर पिन है वो सेंस पिन है, ये सेंस करके MOSFET पर जाती है सोर्स पर, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ से ये क्या होता है कि आप मान लो कभी कभी बार बार फ्यूज फाड़ रहा है AC सप्लाई, मान लो ये जो फ्यूज लगा हुआ है बार बार ख़राब हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो यहाँ ये फ्यूज जो है यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पे एक फ्यूज लग गया है। ये यदि ये बार बार ख़राब हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ये जो लाइन फिल्टर ये शॉर्ट हो सकता है, यदि ये लाइन फिल्टर सही है तो ये ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकते हैं। ये ऐसा कम ही होता है कि कभी ये डायोड शॉर्ट हो जाए, कभी कभी ये डायोड नहीं, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, तब भी ये फ्यूज बार बार उड़ाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे जो अपन को मिलेंगे PDC वोल्टेज और कैपेसिटर लगा के, ये शुद्ध DC वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज होते हैं, और ये डायरेक्ट जो वोल्टेज होते हैं ये यहाँ पर आते हैं, ये जो है 350 वोल्टेज करीबन होते हैं, ये 350 वोल्ट DC वही यहाँ से होती है, ट्रांसफार्मर पे आते हैं, और ट्रांसफार्मर पे जब ये गेट काम करता है तो यहाँ से ये पल्स होती हुई, ड्रेन से होते हुए इस ट्रांसफार्मर पे आते हैं, और यहाँ से वोल्टेज जाते हैं। ये कोई भी ट्रांसफार्मर होता है वो कभी भी DC सप्लाई पे काम नहीं करता है, यदि इसको DC सप्लाई दी जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगा ट्रांसफार्मर। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पल्स दिए जाते हैं, जो ये MOSFET लगा हुआ है, MOSFET पर जब ये गेट के सिग्नल्स पहुँचेंगे तो ये क्या होता है, MOSFET बार बार स्विचिंग का काम करता है, यानी जो स्विच होता है अपना मेन स्विच, उसको बंद चालू, ये बंद चालू होता है, तो यहाँ पर सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स आने की वजह से यहाँ से ये वोल्टेज आउट हो जाते हैं, यहाँ से ये आउट वोल्टेज है, ये प्राइमरी है इसकी, ये सेकेंडरी से आउट होते हैं, ठीक है। इसका ग्राउंड ये है, और सेकेंडरी का ग्राउंड अलग से, ये प्राइमरी का ग्राउंड ये इस टाइप से है, ये सेकेंडरी का ग्राउंड है, एक ये है, एक यहाँ पर है, ये ग्राउंड बने हुए हैं, यहाँ से आउट होता है, ठीक है। यदि MOSFET बार बार उड़ रहा है तो क्यों ख़राब हो रहा है, यदि MOSFET बार बार ख़राब होता है इसका मतलब ये है कि ये जो IC है, IC से गेट के सिग्नल जो हैं ओपन हो गए हैं, ये गेट पर सिग्नल से नहीं पहुँच रहे हैं,
ये आईसी निकल गई है, ख़राब हो गई है, ओपन हो गई है, तो ये बार बार ख़राब होगा। ये बार बार उसी समय पर ख़राब होगा जब यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगी गेट पर, ये काम नहीं कर रहा होगा। वो यदि गेट पर वोल्टेज नहीं आएंगे तो SMPS नहीं काम करेगी। ये लगा हुआ है इसमें MOSFET, ये लगा हुआ है, ये ध्यान रखें, ये ख़राब हो जाएगा तब भी ये सप्लाई ऑसिलेट नहीं होगी, काम नहीं करेगी। ठीक है, ये आईसी को, ये तो ऑसिलेटर आईसी हो गई, ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट यहाँ से होते हुए ट्रांसफार्मर पे आते हैं और ट्रांसफार्मर वहाँ काम करता है। अब इसको फीडबैक देने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जब ये काम करता है तो ये पल्स यहाँ पर डीसी वोल्टेज जो आउट होते हैं वो यहाँ से होते हुए, ये अपना कपलर लगा हुआ है, ये कपलर जो है, ये है वो कपलर, इस कपलर पर सप्लाई आती है, एक सप्लाई की पिन एक नंबर पिन से आती है, और यहाँ पे एक देख ग्राउंड दिया हुआ है, ये LED टाइप का डायोड लगा हुआ है। तो ये जब काम करता है तो यहाँ से इस सिग्नल सेंस करके इस साइड आते हैं, इस तरीके से ये फीडबैक चालू हो जाता है। फीडबैक चालू होने से ये सप्लाई आपकी काम करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो सप्लाई आपकी बन रही है मगर फिर भी काम नहीं कर रहा, 12 वोल्ट क्लियर नहीं आ रहा, तो आपको क्या चेक करना है, इसमें अधिकांशतः जो सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं ये कैपेसिटर होते हैं। ये कैपेसिटर जो है, ये जो है 1000 mAh 25 वोल्ट, ये 470 mAh का भी लगा हो सकता है, जैसे कि एक ये 470 mAh का लगा हुआ है, या ये डायोड ख़राब हो सकता है, मान लो वोल्टेज आ ही नहीं रहे तो ये डायोड शॉर्ट हो सकता है। इसको बदल के आप चेक करें, ये बदल के देखें या इसको निकाल कर मीटर से चेक करें, ये ख़राब तो नहीं है, यदि ये ठीक है तब वोल्टेज बनना चाहिए, या कैपेसिटर ख़राब तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है एक और ये लगा हुआ है MOSFET है, ये भी MOSFET लगा हुआ है, ये जो सप्लाई है अपना LED के लिए है, ये यहाँ से LED के लिए निकलते हैं, बैकलाइट के लिए, बैकलाइट के LED के लिए यहाँ से सप्लाई निकलती है और ये अपने वहाँ पर जाती है। तो ये जो मैंने सर्किट जो इतना बनाया है ये ओनली सिर्फ मैंने SMPS सप्लाई का बनाया, इस साइड का नहीं बनाया, ये ड्राइव बैकलाइट ड्राइवर का नहीं बनाया ये। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे अधिकांश एक तो ये बहुत सस्ता होता है, मार्केट में सस्ता मिलता है, यदि ये ख़राब हो जाए तो इसको बदल दो, यदि यदि आपके पास सामान उपलब्ध है या पुराना कोई पड़ा है तो आप ये IC को ये बदल के चेक कर सकते हैं। ये डायोड लगाए हैं, डायोड भी आप चेक कर सकते हो कि ये ख़राब तो नहीं है, और यदि इसको निकालने के बाद ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो इसके पैरल में यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है जो कोई हाई वैल्यू का रहता है, उसको भी चेक करें। ये जो लगा रहेगा यहाँ पर, ये जो लगा रहेगा 680K या 100K का लगा होगा, इसको बदल के देखें, ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। यदि ये मान लो वोल्टेज बन ही नहीं रहे, बार बार वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट किधर होता है, वो प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी में नहीं होगा। यदि यहाँ पर वोल्टेज यानी पिन निकालते हैं और वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्चार्ज नहीं होता है, या डिस्चार्ज हो जाता है, तो समझ जाइए कि खराबी इस साइड की है, ये आउटपुट की खराबी है। और यदि ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ कहीं ओपन सर्किट है, इसलिए ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इस तरीके से ये आप चेक कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।